बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हमारे NACY के तीन विद्यार्थी एक मांग को लेकर के प्रोफेसर सिकंदर भट्ट जो वाइस चांसलर है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का उनके पास गए और ये मांग की कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी खोली जाए, हॉस्टल खोले जाए ताकि हम जो है अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। और सिर्फ उसी आधार पर उन तीनों ही NACY को नेताओं को वाइस चांसलर ने सस्पेंड कर दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वाइस चांसलर महोदय क्या समझते हैं? एक मांग तो उनकी वाइस चांसलर ने मान ली कि उन्होंने हॉस्टल खोल दिए, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 50% कैपेसिटी के साथ ये जो है पुस्तकालय वगैरह खोल दिए जाएं, तो वाइस चांसलर इस मांग को क्यों नहीं मांग रहे हैं? हम अनुरोध करेंगे वाइस चांसलर साहब से कि शीघ्र अति शीघ्र उन तीनों विद्यार्थियों को बहाल किया जाए और वाइस चांसलर की नियुक्ति की वैसे भी हाई कोर्ट में जो है केस चला हुआ है और वाइस चांसलर संघ से संबंधित है और संघ के एजेंडे को ही यूनिवर्सिटी में लागू कर रहा है, जिसका जो है कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। हम चाहते हैं शीघ्र सिद्ध उन विद्यार्थियों की NACY के विद्यार्थियों की बहाली की जाए, वरना जो है कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी, यूनिवर्सिटी में आएगी, वाइस चांसलर का घेराव करेगी। धन्यवाद।